This is Brand Max Network India and you are watching News India Now. मृतक के भाई ने अपनी बहन के कत्ल का आरोप अपने जीजा पर लगाते हुए कहा कि देर रात मेरी बहन के ससुराल से मुझे फोन आया कि तुम्हारी बहन की अचानक मौत हो गई है। देर रात फिरोजपुर अपनी बहन के ससुराल शांति नगर आए, जहां हमने देखा कि हमारी बहन के गले में नीला निशान था जो एक फंदे का था। मैंने तुरंत पुलिस को इत्तला दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुट गई, जिसके तहत पुलिस ने मामला दर्ज आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। भाई वीकेंड आ रहा है, कहीं घूमने चलें? कहाँ? अमृतसर चलते हैं। अमृतसर? हाँ यार, पर वहाँ पे रहने की बहुत दिक्कत होती है यार। मैंने होटल बुकिंग नाउ पे कमरा बुक कर दिया है। होटल बुकिंग नाउ पर रूम बुक करें सिर्फ 599 रुपए में। ज्यादा जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें 1800-313-5757-57 पर। वहीं थाना सिटी के प्रभारी ने बताया कि लड़की के भाई के बयानों पर मृतक के पति पर 302-306 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और लड़की के गले पर निशान बने हुए हैं। जल्द आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। सानू 10:30 बजे सानू फोन आया मुंडे दे बड़े भरा वालों, उन्हें दसिया भी थोड़ी जिड़ी भैन है उसकी डैथ हो चुकी है। तो उन्होंने जो सारे कारण पूछे, क्योंकि मेरी सिस्टर कल सानू न्यू ईयर की विश की, उन्हें सवेरे मेरे ना गल की, उस तो बाद मेरे मदर ने भी गल की है। ये बयान तकरीबन 7 साल हो चुके हैं, बट जिड़ा इंसिडेंट ये किया वा इन्होंने लोगों ने रल के या तो हस्बैंड वालों किया गया वा, वो सानू जो इतने पहुँचे हाँ तो उन्होंने ये नहीं सानू दसा जी भी लड़की असं मारिया या उन्होंने मरण से मजबूर किया गया। तो जो आके असी गला देखा वो गले के उपर बहुत व्डा निशान सगा चोट का। उस तो बाद असी पुलिस को इनफॉर्म किया भी ये सानू लगता भी इन्हों वालों मर्डर किया गया। तो उसी समय जेडे SHO साहब मौके पर पहुँचे थे तो वो जेडे दोषी तो वो भरा जोड़ा मौके पर इन्होंने अरैसट कर लिया। सर तुम कि मानते हो कि भी जी फायल लाया गया कि मर्डर किया गया जोड़ा वो गले के निशान न लगता है, क्योंकि असी जो पहुंचे गले का निशान देखे तो वह सूँ लगता है ये हस्बैंड वालों या उन्होंने परिवारक किसी मैंबर के नाल इनवॉल्व होने करके यदा मर्डर किया गया। बेटी का ताड़ी बेटी की शादी कदों हुई सी, किस दे नाल हुई सी, किस जगह हुई सी? साड़ी मेरी सिस्टर गीता की मैरिज जी 2012 जून के महीने च हुई सी। नरिंदर कुमार उर्फ निंदी जिहड़ा कि शांति नगर निवासी हैगा वो हुई सी। वो काम की करता सी लड़का? काम प्राइवेट ही काम अपना प्राइवेट जॉब करता सीगा, बट वो एक्चुअली सिस्टर ने कदे साडे नाल जिक्र ही नहीं किया, मगर हुण मुहल्ले वाले ने या उहदे नाल दे लोगों ने दस्सिया भी ये बड़ा नशे दा आदी सीगा और लड़की नाल बहुत मारकुट करता सीगा। पहला भी कई बार होया बट साढ़े तक गल नहीं पहुँची, मगर एक दो बार जो इन आके मेरे बड़े ब्रदर ने उन्होंने दस्सिया सिस्टर ने भी इन्हों आके थोड़ा समझाया, तो उन्होंने समझाया गया वो बावजूद भी उन्हें भैन को ज़्यादा टॉर्चर करना शुरू करता और कई बार पैसों करके उन्होंने आपस के बहुत ज़्यादा कलेष हों। तो मैं लगता है ये कारण कुछ इस तरह का भी हो सकता है। बाकी इन्वेस्टिगेशन के बाद मेरी सिस्टर का एक बेटा है जो 6 साल का है, तो मैं मंग करदा बस प्रशासन वालों कि यहोजे जो दोषी है जोड़े अपराधी लोग है जो अपने परिवार को रोल सकते उन्होंने सख्त तो सख्त जी है प्रशासन वालों सज़ा दी जाए। मेरा नाम अजय चौहान है। लड़की के भरा चौहान ने जो लुधियाने के रहने वाले उन्होंने सानू अपने बयान लिखाए जिस मुताबक लड़की नू गला घुट के मारना दस्या गया। फिर भी असी जिहड़ा मुकदमा अधीन धारा 302-306 के तहत दर्ज करके उहदा पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। बाकी जो असलीयत सामने आऊगी उहदे मुताबक उहदे खिलाफ़ कार्रवाई की। बिल्कुल असी मौका चेक किया, लड़की के गर्दन से गला दबाने के निशान है। ये असी जिहड़ा लड़की का हसबेंड है वो खिलाफ़ परचा दर्ज किया, जल्दी ही उन्होंने गिरफ्तार करके वो खिलाफ़ कार्रवाई की। नहीं जी हाले करा बात, मुकदमा दर्ज हो गया, मैच करा। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.